मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें कांग्रेस कितनी सीटें लेकर आ रही है? मेरा तो अनुमान कम से कम 150 सीटों का है। इसमें काफ़ी जो हम माहौल देख रहे हैं ज़मीन पर, नाराज़गी है वर्तमान सरकार के साथ, क्योंकि अब लगभग 3 साल से अधिक हो चुके हैं जब से ये खदीजवी सरकार मध्य प्रदेश में आई है, लेकिन जो काम जनता के बीच होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए हैं। आज अगर आप कोई भी आप मोहल्ले में जाओ या कोई भी आप पब्लिक मीटिंग में जाओ और आप जनता से पूछो क्या भाजपा के राज में एक भी काम बिना पैसे के हो रहा है क्या? हर सरकारी कार्यालय में, चाहे तहसील हो, चाहे थाना हो, चाहे जनपद हो, हर जगह पैसों के आधार पर ही काम हो रहा है। मतलब हर जगह दलाल भाजपा के हावी हो चुके हैं। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज अगर सबसे बड़े मुद्दे मध्य प्रदेश में हैं तो महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं। आज दिन तक जो भी सरकारी नौकरी मध्य प्रदेश में है, चाहे शिक्षा कर्मी हो, चाहे पंचायत सचिव हो, रोजगार सहायक हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, आशा कार्यकर्ता हो, CHO हो, ये सब सरकारी पद अगर किसी की देन है तो कांग्रेस की देन है। भाजपा के राज में एक भी नया सरकारी पद युवाओं को नहीं मिला है। वही सरकारी पद आज भी चल रहे हैं जो UP के दौरान स्थापित किए गए थे।